चलिए फटाफट लाए भैया सब लोग। राम बाबू चौहान, गुड मॉर्निंग सर। चलिए सेम टू यू। अभिषेक कुमार, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। नेहा सक्सेना, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। बजरंगी कुमार, गुड मॉर्निंग गुरु जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। अनु कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और सुरेंद्र यदुवंशी इंटरटेनमेंट, गुड मॉर्निंग सर, आपको गुड मॉर्निंग। चलिए विकास विकास पंडित, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। चलिए आलोक कुमार, राधे राधे सर जी, सेम टू यू, आपको भी राधे राधे। चलिए बहुत अच्छे आलोक कुमार, चलिए आलोक कुमार राधे राधे सर जी हो गए। उसके बाद में गोल्डन यादव, गुड मॉर्निंग सर जी, सेम टू यू, आपको भी गुड मॉर्निंग। संतोष कुमार, राम राम सर जी, आपको भी राम राम, बहुत अच्छे। आदित्य कुमार, गुड मॉर्निंग गुरुजी, आपको भी गुड मॉर्निंग। आर्यन राज, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी सब जुड़िए। आर्यन राज, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। विकास पंडित, जय श्री राम सर जी, आपको भी जय श्री राम। वर्षा कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। विकास कुमार विक्की, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। रोहित कुमार चौधरी, गुड मॉर्निंग सर जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। बाल मुकुंद कुमार, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। राहुल कुमार, गुड मॉर्निंग, राहुल कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग गुरु जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। बाल मुकुंद कुमार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, चलिए ऑल ऑफ यू। विकास कुमार रो, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। आर्यन राज, गुड मॉर्निंग सर जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। अभिषेक कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। बाल मुकुंद कुमार, संजीत संजीत लाइव करो जल्दी, हाँ जल्दी लाइव करने के लिए बोल दीजिए सबको, सब जरा जल्दी जल्दी लाइव हो जाएंगे, शुरू हो रहे हैं हम तुरंत अभी एक सेकंड के अंदर। राजेश पांडे, गुड मॉर्निंग सर जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। आलोक कुमार, राम राम सर जी, आपको भी राम राम। रोहित कुमार चौधरी, प्रणाम 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 सर जी, प्रणाम प्रणाम आपको भी। उसके बाद में बजरंगी कुमार, गुड मॉर्निंग गुरु जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। राहुल कुमार, है ना, क्लास कब ओपन कब होगा? ऑनलाइन तो चल ही रहा है, ऑफलाइन 21 तारीख के, देखो 21 तारीख के हम लोग जो है आंदोलन पर जा रहे हैं। 21 को तो खोलना ही पड़ेगा, नहीं खोलेगा 21 को तो विद्रोह करेंगे, है ना। 21 तारीख मतलब समझ लो कि अब खुलने खुलना हो गया है, अब निश्चित हो गया है कि ऑफलाइन भी खुलेगा। क्लास कब से ओपन होगा? गुड मॉर्निंग सर जी, क्लास तो चल ही रहा है, अभी पढ़िए तत्काल में, फिर ऑफलाइन भी हम लोग सोच रहे हैं, उस पर जो है विचार हो रहा है। अखिलेश कुमार, गुड मॉर्निंग सर। समलेश कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी। गोल्डन यादव, टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास करें, कौन से टाइम है सर? अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है शाम में 7 बजे, है ना, तो शाम में 7 बजे टाइम वर्क पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको टाइम एंड डिस्टेंस आ जाएगा चैप्टर, है ना, टाइम डिस्टेंस का चैप्टर इसके बाद में आएगा। राहुल कुमार, अच्छा, सुनीता देवी, गुड मॉर्निंग सर। नेहा सक्सेना, गुड मॉर्निंग सर। समीर दास, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत लोग हैं, चलिए शुरू कर लें हम लोग जो है। रोहित कुमार चौधरी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर जी। अरे अच्छा क्या लगेंगे, है ना, मिलो हमसे, हमारे पर्सनालिटी गेन करो, है ना। अच्छाई कपड़ों से नहीं होती है, पर्सनालिटी और विचारधारा से होता है, उसी से है
है ना, काबिलियत वहां से थोड़ी आता है, हमसे ज्यादा सुंदर लोग पड़ा हुआ है धरती पर, कोई काम का नहीं है, है? चलिए ठीक है। नेहा सक्सेना, हाँ सर, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक प्रश्न है उस पर विचार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जो है जो प्रश्न है उस पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से जो है एक प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए हम लिख रहे हैं, ये प्रश्न है x स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड हो, फिर वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स हो, और फिर जो है आपको जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हो, है ना? ऐसा हो तब जो है मान निकालना है 1 बटे 1 प्लस x प्लस 1 बटे 1 प्लस y प्लस 1 बटे 1 प्लस z का मान क्या होगा। ये प्रश्न है आपका इस तरह का, इसका मान क्या होगा ये निकालना है ना। यदि आपसे संभव है, सरल हो सकता है तो सरल कीजिए, और नहीं तो मतलब कि बहुत आसानी से ही हल होता है। अभी तुरंत हम बताते हैं आपको, 10 सेकंड का समय दिया, ये 10 सेकंड में हल हो जाता। जो आदमी जानेगा वो 10 सेकंड में हल कर देगा, जो नहीं जानेगा उससे आधा घंटा में भी हल नहीं होगा। विकास कुमार रो कर रहे हैं, हम आपसे क्लास किए सर, तो आप जवाब दीजिए, है ना? तुरंत जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, इसको जो है कितना जो है आएगा आंसर इसका। चलिए सब लोग बनाने में जुट गए। सुनीता देवी 3 जवाब दिए हैं, समलेश कुमार 3 जवाब दिए हैं, और रोहित कुमार भी, रोहित चौधरी भी 3 जवाब दिए हैं। देखिए इसका बेसिक और फंडामेंटल से यदि बनाइएगा तो बहुत लंबा होता है, परेशानी होती है। शॉर्ट थिंकिंग समझिएगा यहाँ से। देखिए एक वर्ग संख्या, वर्ग संख्या को दो ऐसे बराबर भागों में तोड़ा गया है, देखिए सेम टाइप का, सेम पावर का लग रहा है, है ना? वर्ग संख्या को दो हिस्सों में तोड़ा गया है, है ना? सबसे छोटा वर्ग संख्या 0 होता, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद में 4 होता, उसके बाद में 9 होता, उसके बाद में आपको 16 होता, उसके बाद 25 होता, उसके बाद आगे होता है। तो 0 पर तो सेटिंग नहीं होगा, ऐसे 0 पर करिएगा तो सबका मान 0 हो जाएगा, जो कि 0 आपको होगा नहीं, है ना? 0 पर सेटिंग नहीं रहता, रहेगा कितना पर? 4 पर, है ना? यानी इसको तोड़ना है दो बराबर हिस्सों में, है ना? अब आपको जैसे ही टूटेगा दो बराबर हिस्सों में, तो देखिए इसको एक हिस्सा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ऐसे टूटेगा 2 प्लस 2 बराबर भी 4 होता है, और 2 के स्क्वायर बराबर भी 4 होता है। तो आपको यहाँ से देखिएगा, जैसे यहाँ से टूट जाएगा, यानी 2 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2, है ना?
आणि आपको सेम पैटर्न में देखिए होता है, 2 का वर्ग करो चाहे 2 को 2 बार जोड़ो, 2 गुना 2 या 2 प्लस 2 बराबर होता है। आणि सबका मान आपको x का मान 2, y का मान 2, z का मान 2, सबका मान 2 रख देवे तो जवाब आसानी से बन जाएगा। ये जो हुआ पढ़ाई, ये टेक्निकल पढ़ाई हुआ, ये तकनीकी पढ़ाई हुआ, कन्वेंशनल पढ़ाई नहीं हुआ। लेकिन टेक्निकल पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा आपको कि कैसे आसानी से टेक्निक के द्वारा प्रश्न हल होता है। अभी आप समझेंगे यहां से जो है कि इस तरीका से तो बहुत आसानी से हल हमारा हो जाएगा। x बराबर 2 रख देंगे, y बराबर 2 रख देंगे, z बराबर 2 रख देंगे, हमारा हिसाब क्या हुआ, बन गया 1/1+2 हो जाएगा, 1/1+2 हो जाएगा, 1/1+2 हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 1/3+1/3 और +1/3=3/3 और बराबर 1 आपका आंसर आ गया। ये तो बहुत आसानी से हो गया। आपने किया क्या थी, x बराबर भी 2 रख लिया, y बराबर भी 2 रख लिया, z बराबर भी 2 रख लिया, है ना। और सबका जवाब कितना आ गया, 1 आ गया। विकास कुमार रो एक जवाब दिए हैं। करण कुमार गुड मॉर्निंग सर, अच्छा सेम टू यू आपको भी। उसके बाद में नेहा सक्सेना एक जवाब दिए हैं, पहले 3 जवाब दिए थे अब 1 जवाब दिए हैं। बात इसको विधायक रूप से बताइए, व्यापक रूप से समझाइए सर। तो इसको देखिए व्यापक रूप से समझाएंगे तो यहाँ से देखिएगा, मान समझिएगा, यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ रखेंगे, ध्यान से समझिएगा, 1/1+1+ x का मान यहाँ से निकाल रहे हैं, ये y प्लस जेड और बटा x होगा, ध्यान से समझिएगा। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है तो एगो x को इधर भेज दिया तो y प्लस जेड बटा एक्स हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा x का मान तो ये 2x है, x गुना x है तो एगो x को इधर भेज देंगे तो y प्लस जेड बटा एक्स हो जाएगा, वो यहाँ आ गया। फिर आप देखिएगा यहाँ से 1/1+ यहाँ पर अब y का मान लिखेंगे, ध्यान से समझिए कि y का मान लिखेंगे तो y का मान यहाँ से निकालेंगे, है ना, यहाँ से निकलेगा y का मान तो y बराबर एगो y इधर चल जाएगा, जेड प्लस एक्स बटा y होगा, जेड प्लस एक्स बटा कितना वाई। फिर आप जो है यहाँ से 1/1+ आपको जेड का मान यहाँ डालना है ना, यहाँ पर जेड का मान डालना, जेड का मान यहाँ से निकलेगा, है ना, यहाँ से जेड का मान कैसे निकलेगा, ए को जेड को इधर भेज देंगे तो एक्स प्लस वाई बटा जेड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और बटा जेड हो जाएगा। नीचे सब में आपको देखिएगा ई एक्स ऊपर चला जाएगा, x बटे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, आपको ये जो x है x ऊपर जाएगा और x तिरछा गुना होगा, है ना, x ऊपर जाएगा x तिरछा गुना हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड नीचे हो जाएगा और x ऊपर चला जाएगा, फिर y ऊपर चला जाएगा, y ऊपर चला जाएगा और y प्लस जेड है ना प्लस x हो जाएगा, कि z ऊपर चला जाएगा तो z बटे हो जाएगा z प्लस x प्लस y हो जाएगा। नीचे सब का इक्वल हो गया, नीचे सब का इक्वल हो गया तो आपको हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आपको x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे तो जवाब आपका एक आएगा। तो ये मैंने बना के निकाला उत्तर एक, है ना, ये पूरा कैलकुलेशन करके निकाला। यदि हमारे दिमाग में रहता कि सबका मान एक जैसा है ना, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस जेड और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई है, इसका मतलब एक्स वाई जेड का मान इक्वल होगा क्योंकि सभी का फॉर्म एक है, रूप है एक ही, साचा एक ही है, एक ही साचा में आइटा बनेगा तो सब आइटा समान आकार का होगा, समान वैल्यू का होगा। जैसे एक ही साचा से साचा ईटा पर आता है तो देखते हैं साचा रहता है, ईटा पर आता है तो साचा रहता है, और एक ही साचा से यदि सबको बनाया गया ईटा तो जितना भी ईटा बनता है सबका वजन बराबर होता है, सबका वैल्यू बराबर होता है। तो यहाँ सबका स्वरूप और आकार एक जैसा, मान लो एक ही साचा से बना हुआ 10 ईटा देख रहे हैं तो 10वां ईटा का वजन लगभग क्या होगा, बराबर के रूप में आवेगा, है ना, 100% तो नहीं हो सकता सही लेकिन लगभग जरूर बराबर होगा। तो आपको समझना यहाँ पर कि एक ही जैसा है, जिस ढांचा में ये है उसी ढांचा का यह है, उसी ढांचा का यह है, तो तीनों का ढांचा समान है, इसका मतलब तीनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा, यानी x y z का वैल्यू समान होगा, x y z का वैल्यू समान होगा तो क्या समान लेंगे, 1 1 1 पर नहीं बैठेगा, है ना, 2 2 2 पर बैठ जा रहा,
है एक्स बराबर टू वाई बराबर टू जेड बराबर टू रखने पर सारा का मामला जो है क्लियर हो जा रहा है। अब आपको ऐसा दिमाग में बात आ गया तो एक्स बराबर टू वाई बराबर टू जेड बराबर टू रख के जवाब तुरंत बना सकते हैं, है ना। शॉर्ट में बनाने में कुछ नहीं है, आप समझ गए कि 2% होगा, ज्यादातर 1, 2, 0, 1, 2, 3% हो जाता है, 0, 1, 2, 3 पर अधिकांश सेट हो जाता है। 1/1 + 2 हो जाएगा, 1/1 + 2 हो जाएगा, 1/1 + 2 हो जाएगा, है ना। 1/3, 1/3, 1/3 = 3/3 = 1 आंसर, ये फटाक से स्पीड में बन जाता है। चलिए बहुत आसानी से आप बना लिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा, आप सब जवाब दे दिए हैं बहुत अच्छा से। चलिए एक प्रश्न और है आपके लिए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसको जो है। 4x - 3 मेहनत करते जाओ, कभी कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, मेहनत करोगे डेली डेली तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 4x - 3/x है ना, और प्लस है आपको 4y - 3 जो है वाई, और प्लस है 4z - 3/z बराबर 0 हो, 0 हो तो जो है मान निकालना 1/x + 1/y + 1/z का मान क्या होगा। चलिए यहाँ जवाब दीजिए, दिमाग लगा के जवाब दीजिएगा, बहुत आसानी से बनेगा। यदि दिमाग थोड़ा मोटा लगाइएगा तो बहुत सिंपल जवाब आने की संभावना। अनुराधा सिन्हा गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। उसके बाद में नेहा सक्सेना गुड मॉर्निंग, अनुराधा जी अच्छा ठीक है गुड मॉर्निंग आपके तरफ से भी। समलेश कुमार 4 आंसर आएगा, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं, 4 उत्तर हो सकता है। विकास कुमार दास गुड मॉर्निंग गुरु जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। करण कुमार 4 उत्तर आया है, अनीश कुमार का भी 4 उत्तर आया है। विभीषण कुमार का भी 4 उत्तर आया। विकास कुमार दास का भी 4 उत्तर आया है। अनीश कुमार गुड मॉर्निंग सर, आपका भी 4 उत्तर आया है, गुड मॉर्निंग केवल बोले हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप सभी जो है। दीपक कुमार 4 जवाब दिए हैं, और जो है आपको अनीश कुमार भी 4 जवाब दे रहे हैं, ठीक है। समीर दास का भी 4 जवाब आया है हमारे पास में, और मनीष सिंह राजपूत भी 4 जवाब दिए हैं, बहुत लोगों का 4 जवाब है। सुनीता देवी भी 4 जवाब दिए हैं, बहुत लोग। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए, बहुत लोग समझ चुके हैं और बहुत लोगों को कुछ समझना भी बाकी है, तो आप कलम रोकिए और इधर से जवाब हम दे रहे हैं सीखिएगा। अभी देखिएगा 3 पद है, आप तीनों पद आपको एक जैसा है, जरा सा उसका ढांचा समझिएगा, स्ट्रक्चर। जैसे एक सांचा में ईटा पर आता है तो सब का स्ट्रक्चर समान होता है, आप समझते हैं इस बात को,
है ना, कि जैसे एक सांचा रह गया, उस सांचा में से ईटा जितना ईटा पर आएगा उस सांचा से सबका स्ट्रक्चर जो है वो समान होगा। तो यहाँ भी एक जो है आपको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर माने कहते हैं ढांचा को, है ना, एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जो ढांचा एक ही जैसा अलग अलग चीजों से बना हुआ जरूर है, जैसे ही उसी चीज में मिट्टी को मतलब कि करके बनाए, उसी को सीमेंट करके बनाए, उसी को जो है घोरी मिट्टी से बनाए, काली मिट्टी से, वही साचा से बनाए, अलग अलग चीज है लेकिन स्ट्रक्चर समान है। आप तीनों का जो है जोड़ करके आपको वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो यानी तीनों एक जैसा वैल्यू होगा, तीनों जोड़ करके जीरो होगा, तो वह कौन से स्ट्रक्चर में आपको हो सकता है? आपको जैसे एक जैसा होना है तीनों को, ऐसा नहीं होना कि एगो के प्लस वन, एगो के माइनस वन, एगो के प्लस जीरो, ऐसे नहीं। ऐसा करने से क्या हो गया कि आपका इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, तीनों एक जैसा होना चाहिए। जैसे आप देखिएगा वन 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 लेंगे तो ये वन 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 लेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, इधर तो तीन हो जाएगा, इधर जीरो रह जाएगा, बराबर नहीं होगा। लेकिन जरा समझिएगा इसको जो है, जरा इसको जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो लेते हैं तब ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, ये समान स्ट्रक्चर भी हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया, एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये चीज का अनुभव होना चाहिए कि आपको सबका मान यानी कि इसका मान, ये 4x माइनस 3 बटे x का मान जीरो लेना होगा और 4y माइनस 3 बटे y का मान भी जीरो हो जाएगा और इसका मान भी जीरो हो जाएगा, तीनों का मान जीरो हो जाएगा। आप देखिए ऐसे अवस्था में आप समझ गए कि इसका मान जो है वो जीरो के बराबर होगा, यानी 4x माइनस 3 बटे x बराबर जीरो हो जाएगा, तो इधर चला जाएगा, है ना, इधर जाएगा तो यानी 4x माइनस 3 बराबर जीरो हो जाएगा, तो x बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x बराबर 3 बटे 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से y का मान भी आ जाएगा, y बराबर 3 बटे 4 हो जाएगा, है ना, 4x माइनस 3 था तो y बराबर भी 3 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 4x माइनस 3 बटे x, x जाएगा 0, इधर जाएगा तो 3, और 3 बटे 4 आ गया, y का मान भी आपको 3 बटे कितना आ जाएगा, 4, और z का मान भी आपको आ जाएगा 3 बटे 4, है ना। अब आपको 1 बटे x ध्यान देंगे, 1 बटे x, 1 बटे y और 1 बटे z का मान ये उलट जाएगा, 1 बटा x का मान 4 बटे 3 हो जाएगा, उलट करके ये 3 बटे 4 है तो 1 बटे x का मान 4 बटे 3 हो जाएगा, ये 4 बटे 3, ये भी आपको 4 बटे 3 हो जाएगा, ये भी आपको 4 बटे 3 हो जाएगा, जवाब 12 बटे 3 हो जाएगा, उत्तर 4 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कम्प्लीटली समझना, अध्ययन करना है कि ऐसे कैसे हुआ, है ना। आपको सारा का मान बहुत आसानी से निकला, कैसे निकला, क्या थिंकिंग लगाए, क्या सोचे हम, क्या समझ गए इसमें, क्या समझदारी हमारी बढ़ी, इसको सोचना है, इसको सोचना यही है हमारा कि आपको तीनों एक जैसा होगा, तीनों का मान एक जैसा, तीन पद है मेरे पास में और तीनों पद का मान एक ही जैसा होना यानी समान होना, इक्वल होना, और तीनों को जोड़ के जीरो भी होना, तीनों को जोड़ करके कितना होना, जीरो भी होना, तीनों का मान एक जैसा होना, एक समान होना है, अब तीनों जोड़ के जीरो होना है, तो वह तभी संभव होगा जब जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, ऐसा। इसके अलावा और किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं हो सकता है ऐसा होना कि तीनों एक समान हो और तीनों को जोड़ने पर आपको जीरो आ जाएगा, तीनों एक समान चीज रहेगा, तीनों जोड़ेंगे तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता, सिर्फ जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो हो सकता है कि तीनों एक समान है और तीनों जोड़ करके आपको क्या आएगा, जीरो आएगा। यही चीज मेन समझना था। अब आपको जब तीनों एक समान रहेगा, तीनों जोड़ करके जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब मेरा कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है, यानी पहला पद का मान जीरो के बराबर, दूसरा पद का मान भी जीरो के बराबर और तीसरे पद का मान भी जीरो के बराबर होगा, तो आपको ठीक है, पहला पद का मान जब जीरो के बराबर होगा तब एक्स का मान 3/4 हो गया, दूसरा पद का मान जब जीरो के बराबर होगा तो वाई बराबर भी 3/4 ही आएगा, सेम आएगा, और तीसरा पद जो है जीरो के बराबर होगा तो जेड बराबर भी 3/4 ही आ जाएगा। अब 1/x, 1/y, 1/z का मान 4 के बराबर हो गया। हमारे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा,
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं, ध्यान देते हैं। काफी बार ही पूछा गया है क्वेश्चन, इस पर ध्यान देंगे। बहुत बार ही क्वेश्चन आया है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर है ना बराबर 2 into a plus b plus c है ना, a प्लस बी माइनस टू सी, ए प्लस बी माइनस टू सी और ए बी सी वास्तविक हैं, वास्तविक हैं है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए प्रयास करिए, बनाइए आप सभी लोग। लग रहा है हमको प्रश्न में त्रुटि, यहाँ पर लग रहा है माइनस तीन भी होगा। अब लगता है बनेगा, चेक करिए, देखिए बना करके। कमलेश कुमार साहब, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिए, पहले हम बता दे रहे हैं लंबा विधि से, फिर आपको शॉर्ट करके भी आपको हम बता देंगे है ना। अभी आपको समझना है क्या चीज, उसको समझिए पहले। पहले लॉन्ग से समझ लीजिए, पहले ये स्क्वायर हो गया, यहां से 2a बनेगा है ना, 2a को इधर ले आएंगे तो माइनस 2a हो जाएगा, और इधर हम एक और जोड़ देते हैं, एक फॉर्मूला में हो जाएगा आपको a माइनस 1 का होल स्क्वायर एक जोड़ने से है ना। जोड़े हैं बाद में इसको मैनेज करेंगे, अभी हम जोड़े हैं, बाद में हम क्या करें घटा देंगे। चलिए एक जोड़ दिया है, उसके बाद में फिर बी स्क्वायर, ध्यान देंगे बी स्क्वायर लिखा, ये दोनों गुना होकर 2b होगा, जो इस साइड आ जाएगा तो माइनस 2b हो जाएगा, इसमें भी एक हम जोड़ दिया है ना, एक यहाँ जोड़ा एक यहाँ जोड़ा। अब तीसरा बात आ गया, इसको 2c का स्क्वायर लिखेंगे,
इसको लिखेंगे 2c का स्क्वायर, और इधर से हो जाएगा माइनस, आपको जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा 2 × 2c, है ना, 2 × 2c हो गया, और प्लस यहाँ पर भी जो है हम 1 जोड़ दिया, है ना, 2 × 2c 1 जोड़ दिया। और इधर जो है हमारा देखिएगा, इधर हमारा ये तो इधर चला गया, इधर भी हम 3 जोड़ देंगे या माइनस 3 जोड़ देंगे, है ना, माइनस 3, इधर माइनस 3 पहले से था, 3 इधर, देखिए 1 1 और 1, इधर हम 3 जोड़ा और इधर भी हम 3 जोड़ दिया, दोनों तरफ 3 जोड़ दिया, मेरा इक्वेशन क्या रह गया, बैलेंस रह गया। समझना इसको बढ़िया से, इधर एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा, जोड़ा क्यों, फार्मूला में सेट करने के लिए, फार्मूला में लाने के लिए। अब आपको एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, 3 इधर जोड़ा तो 3 इधर भी जोड़ा, माइनस 3 और प्लस 3 मिला के इधर 0 हो जाएगा। अब जरा सा देखिएगा इधर क्या बच गया, इधर बच गया ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई हो जाएगा 2c और माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए रूल क्या है, नियम क्या है, 3 वर्ग संख्याओं के जोड़ के 0 तभी होगा, 3 वर्ग संख्या 0 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर बराबर 0 होता है, इसके सिवा और किसी भी वर्ग संख्या को जोड़ने पर 0 नहीं होता है ना। तो ये सिचुएशन समझना है, 0 के स्क्वायर 0 के स्क्वायर 0 के स्क्वायर तभी जोड़ के 0 होगा, यानी सबका आधार 0 के क्या होगा, बराबर होगा, अन्यथा संभव नहीं है। यानी a माइनस 1 का मान भी 0 के बराबर होगा, b माइनस 1 का मान भी 0 के बराबर होगा, 2c माइनस 1 भी 0 के बराबर होगा, 0 के स्क्वायर 0 के स्क्वायर 0 के स्क्वायर तभी 0 होगा, और माइनस प्लस कुछ भी रहेगा तो आपको 0 होना संभव नहीं है। तो आपको ऐसा ही होता है, इसी पर सेटिंग किया हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा, यदि यहाँ पर a माइनस 1 बराबर 0 हुआ, a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर आपका निकल गया कितना, 1 निकल गया। फिर आप समझिएगा b माइनस 1, b माइनस 1 बराबर 0, तो b बराबर 1 निकल गया। उसके बाद में 2c माइनस 1 बराबर 0, तो आपको यहाँ से c बराबर हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब आपको देखिएगा इतना चीज आ गया, तो अब आपका जवाब सफल हो जाएगा। ध्यान से समझना, आपको निकालना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर का मान निकालना, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर, ऐसा प्रश्न है, 1 1 और इस तरह से। तो आपको यहां से जवाब देना है, 1 + 1 = 2 हो जाएगा, 1 + 1 + 1/4 हो जाएगा, यानी 2 पूर्णांक 1/4 आपका आंसर होगा। ये अध्ययन आपको होना चाहिए, सीखा हुआ होना चाहिए, ये बेसिक समझ होनी चाहिए आपको कि कैसे होता, ये मैं बेसिकली बता दिया, ऐसे आपको बहुत आसानी से यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। देखिएगा यहाँ से आपको जो है 2a है ना, तो 2a आपका आएगा, तो इसके साथ 1 गुना जाएगा तो इसका मान 1 के बराबर, यहाँ देखिएगा आपको जो है इसका मान जो है आपको हो जाएगा 1 के बराबर, है ना। एक सेकेंड, थोड़े मोटे, ये जब प्लस नहीं है, जब माइनस नहीं है, सिनेमा लगता है गड़बड़ाया है कुछ। ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो है ये तो हो गया 2a, इधर आके ये प्लस होगा, नहीं वाला ये वाला प्लस हो जाएगा, ध्यान देंगे, इधर जो 2c है इधर आकर के ये प्लस हो जाएगा, इधर 4c 2c प्लस में आ जाएगा, और आपको इस तरह से ये प्लस में आएगा, आई प्लस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, खाली प्लस का होगा था, माइनस इतना आएगा, और माइनस इतना का स्क्वायर करेंगे, बाकी सब जवाब सही आ गया, खाली चिन्ह थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, चलिए बाकी सब सही है आपका, है ना, तो बाकी सब आपका क्लियर हो गया। यानी आपको समझ लेना है कि इस तरीका से आप आसानी से हल हो गया आपका, 2 पूर्णांक 1/4 भी उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको जो है, xy
हाँ ध्यान देंगे, यदि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर एक हो तो जो है वन बटे एक्स क्यूब, वाई क्यूब और माइनस एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा? चलिए बताइए, फटाफट बताइए, एकदम पूरा सही सही जवाब दीजिए, जवाब का इंतजार है आपका। पूरा जवाब सही दीजिए। सही जवाब एकदम आना चाहिए आपका। कमलेश कुमार जीरो जवाब दिए, करण कुमार जीरो, मनीष कुमार सिंह राजपूत, मनीष सिंह राजपूत एक जवाब दिए और रोहित कुमार चौधरी जीरो जवाब दिए, आलोक कुमार जीरो जवाब दिए, संतोष कुमार एक जवाब दिए। कुछ ना एक्यू बीक्यू करने जिसको आएगा सब लोग जवाब दे दे सकता, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पावर एक में है, पावर तीन में लाना, ध्यान दीजिए यहाँ से सोल्यूशन। जैसे एक्स प्लस वाई, बराबर वन बटे एक्स वाई हो गया, दोनों तरफ होल क्यूब करिए, है ना, दोनों तरफ होल क्यूब करिएगा तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर हो जाएगा वन बटे एक्स क्यूब और वाई क्यूब। इसको तोड़ना आप जानते होंगे, है ना, जो लोग तोड़ना जानते हैं जवाब दे सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई, इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे होता है, और बराबर वन बटे एक्स क्यूब और वाई क्यूब। इसका मान तो आप जानते ही हैं, एक्स प्लस वाई का मान होता है वन बटे एक्स वाई, है ना, एक्स प्लस वाई का मान वन बटे एक्स वाई हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई हो गया और इसका मान वन बटे एक्स वाई होता और बराबर हो गया वन बटे एक्स क्यूब और वाई क्यूब। ये दोनों तो देखिए कैंसिल हो गया, है ना। अब आप क्या कीजिए, ये दोनों को उधर में ले चल जाइएगा, तो उधर में ले चल जाइएगा तो उस साइड बचेगा, आपको देखिएगा उधर जाएगा तो क्या बचेगा, वन बटे एक्स क्यूब वाई क्यूब घटाव हो जाएगा एक्स क्यूब घटाव वाई क्यूब बराबर इधर तीन बचेगा। ये जवाब आ गया आपको, ये दोनों दूसरे साइड चला गया, है ना, ये दोनों जो है दूसरे साइड चला जाएगा तो घट जाएगा, इधर ही तीन बचा हुआ था, वही तीन यहाँ पर क्या हुआ रह गया, तो जवाब तीन आया। बहुत लोग का जवाब सही था, सुनीता देवी एक जवाब दिए थे, विकास कुमार एक जवाब दिए थे, लेकिन समलेश कुमार तीन जवाब दिए थे, आलोक कुमार एक दिए थे, ज्यादा जी तीन जवाब दिए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो है।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर छ हो, जेड बराबर छ हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बीस हो, है ना, बीस हो। तो जो है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना, और माइनस थ्री एक्स वाई जेड, माइनस थ्री एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? चलिए बनाइए, फटाफट बनाइएगा, एकदम साई साई पूरा। साय साय कथे है तो बहुत हंसी आता है सर, साय साय कहते हैं तो बहुत हंसी आता है, साय साय जवाब दीजिए, तो साय साय मैंने तेजी से जवाब देना है ना, साय साय कहते हैं तो बहुत हंसी आता है सर। अच्छा हंसी आता है तो हंसते खेलते भी तो पढ़ाई होता है, है? माथा पर तीन तीन मन बोझा लेके पढ़ाई होगा, जिसका माथा पर लाद दोगे तीन मन का बोझा और उसको कहोगे किताब पढ़ो तो वो पढ़ लेगा ना? नहीं पढ़ेगा, उसका दिमाग नहीं काम करेगा, इसे साई साई बनाओ माथा को हल्का करके। चलिए विकास कुमार रो जवाब दिए हैं 72, समलेश कुमार दिए हैं 72, है ना, शर्ट अच्छा है सर, अच्छा शर्ट अच्छा है, आपका हिसाब भी अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है, आपका जीवन बन जाए। मेरा शर्ट तो बहुत पुराना है, फटा हुआ भी है, लेकिन तुम लोग को पता नहीं चलेगा, है ना? बहुत अच्छा। श्रवण कुमार 7 जवाब दिए हैं, करण कुमार 72 जवाब दिए हैं, और लोग भी जवाब दीजिए फटाफट जो है, इसमें बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई खास ही नहीं है, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, है ना? देखो यहाँ से समझिएगा, ये पावर 2 में है और ये पावर 1 में है, सब एक्स वाई जेड पर पावर 1 है, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, पावर 2 में है, दो इक्वेशन है और दोनों को मिलाना, दोनों को मिलाने के लिए दोनों का पावर समान होना अनिवार्य है। ये बात समझ में आ गया तो समझो कि सब समझ में आ गया, ये पावर 2 में है और ये पावर 1 में है, तो जब तक पावर बराबर नहीं होगा तब तक दोनों को मिला के कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये पावर बराबर समझना है कि करना है हमको, पावर बराबर हो गया सब ठीक हो गया। अब जैसे इसको पावर बराबर करने के लिए इसको होल स्क्वायर कर देंगे, देखिए सॉल्यूशन, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है बराबर 6 है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो यानी एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर करिए, डायरेक्ट करिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स वाई हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा, और इधर 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? इधर होल स्क्वायर किए तो इतना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप जरा समझिए इसी को, अध्ययन कीजिए कि इसका मान दिया हुआ है, है ना, इसका मान 20 दिया हुआ है ना, इसका मान 20 दिया हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पर 2 होगा ना, है ना, यहाँ पर 2 होगा, 2 इंटू एक्स वाई इस तरह से, अब इसका मान देखिए 20 दिया हुआ, तो इसका मान 20 दिया हुआ है तो 20 जाके इधर क्या होगा, घट जाएगा,
तो 2 इनटू हो जाएगा 2 इनटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ऐसा। और 20 जाके इसमें घट जाएगा, 20 घटेगा तो कितना बचेगा 16 है ना, 16 और 20 36 होता है। अब ऐसे स्थिति में एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स इसका मान जो है 8 आ जाएगा है ना। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। अब इसका मान तो निकाल सकते हैं, अब इसका मान निकल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू होता है आपको इंटू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और सबसे माइनस कॉमन ले लेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ऐसे होता है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 6 है, गुणा हो जाएगा बड़ी बड़ी के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 20 है, 20 हो जाएगा माइनस हो गया एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान 8 है, 8 आ जाएगा। अभी आपको 20 में से 8 जाएगा है ना, 6 गुना 20 में से 8 जाएगा 12 8 20 होता है 12 और 96 आपका आंसर हो गया। हाँ 12 6 72 आपका जवाब ठीक, 12 6 72 नहीं होता ठीक है, 12 × 6 होगा तो 12 6 72 आपका जवाब सही हुआ, बिल्कुल सही है। मनीष कुमार राजपूत 72 दिए हैं, समीर राज भी 72 दिए हैं, गुना गलती है सर, नहीं गुना गलती नहीं होगा कहीं, 12 6 72 ना बेटा सुधार गया है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। वन बटे घनमूल, घनमूल 4 है ना प्लस घनमूल 2, घनमूल 2 प्लस 1 है ना बराबर ये घनमूल 4 प्लस बी घनमूल 2 घनमूल 2 प्लस सी हो तो ए प्लस बी प्लस सी इसका मान क्या होगा, जहां ए बी सी परिमेय संख्या बनाइए। जहां ए बी सी परिमेय संख्या मनमोहन कुमार पांडे
नमस्ते गुरु जी, आपको भी नमस्ते। समलेश कुमार, 3 उत्तर आया है। चलिए इसको समझने पहले थोड़ा सा एक बात समझिएगा। जैसे आप लोग देखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा देखते हैं, है ना? मान लीजिए कुछ भी हो, मान लो कि इधर आपका के है, कुछ भी है के है। आप जैसे दोनों तरफ ए माइनस बी से गुना कर दोगे, जैसे ए माइनस बी से एन ए गुना कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इंटू ए माइनस बी, ऐसा होगा। इधर एक फार्मूला में देखो, आगे आप इस फार्मूला को जानते होंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला सुने होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ऐसा होता है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना, बराबर हो जाएगा के इंटू ए माइनस बी, ऐसा होता है। तो आपको समझना, फार्मूला के सेटिंग पर ले जाना, फॉर्मूला का पैटर्न है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का मामला होता है। यदि b बराबर 1 रख दोगे, जैसे यहाँ पर b बराबर 1 रख दोगे, तो ये देखिएगा ऐसे बन जाएगा, है ना, b बराबर 1 रख दोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा, मान लो सब जगह 1 हो जाएगा। इस तरह का देखिए फॉर्मूला आता है ना। तो आपको अध्ययन करना होता है कि क्या पैटर्न है, आपको किस तरह का पैटर्न में क्या होता है। देखिए आप ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ए ए स्क्वायर और प्लस ए और प्लस वन है, और इसमें हम गुना कर देंगे ए माइनस वन से, ए माइनस वन से जैसे ही गुना कर देंगे तो फॉर्मूला पर आ गया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी आपको ए का क्यू हो जाएगा और माइनस वन होगा। ये फार्मूला पर आपको पकड़ होना चाहिए कि फार्मूला सही है कि नहीं, फार्मूला कैसे होता है, फार्मूला क्या होता है, इसका अनुभव आपको रहना चाहिए। अब देखिए फार्मूला यदि समझते हैं तो यहाँ देखिए आप कर सकते हैं, अभी देखिएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपको ये उतना हो जाएगा आ जाएगा, आपको फार्मूला पर सेटिंग हो जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ से वन बटे, जरा सा समझिएगा सोल्यूशन हम कर रहे हैं, इसको क्या लिखें, इसको दो का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, चार बराबर जो है हम दो का स्क्वायर लिख रहे हैं, चार बराबर कितना का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, है ना। तो आप समझिएगा जैसे आपको रूट चार रहेगा, जैसे रूट घर मूल चार है, और चार बराबर होता है दो का स्क्वायर, तो घर मूल हो गया दो का स्क्वायर, अब स्क्वायर को ऊपर लिख देंगे तो घर मूल दो बचेगा और स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो आपको देखिएगा इसको हम लिख दिए घर मूल दो का स्क्वायर, घर मूल दो का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो गया घर मूल दो और प्लस वन हो गया, है ना, और बराबर इधर तो वही है जो है सो है, इधर आपका जो है आपको ए इंटू घन मूल चार, है ना, प्लस बी इंटू घन मूल दो, है ना, और प्लस सी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं, है ना, घन मूल दो, घन मूल दो माइनस वन से ऊपर में गुना किया, और घन मूल दो माइनस वन से नीचे में गुना किया, चलिए अब जरा देखिए, अब इसको समझिए, मैंने ऊपर में घनमूल माइनस एक से गुना किया, यहाँ घनमूल माइनस एक से नीचे गुना किया, अब नीचे हमारा फॉर्मूला में आ गया, नीचे हमारा फॉर्मूला पर सेटिंग हो गया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना,
आप फॉर्मूला जानते होंगे, a माइनस बी इंटू जो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे होता है ना। ये फॉर्मूला पर सेट हो गया। अब नीचे फॉर्मूला पर सेट हो गया तो नीचे फॉर्मूला पर हम सेट करेंगे तो क्या मिलेगा से देखिएगा। आपको नीचे ऊपर तो रह गया, आपको कितना ऊपर रह गया, घन मूल टू माइनस वन। अब नीचे मेरा क्या हुआ, घन मूल टू का होल क्यूब, ध्यान दीजिएगा घन मूल टू का होल क्यूब और माइनस वन है ना, यही बचा। इधर बच गया आपको जो है ये घन मूल फोर प्लस बी घन मूल टू और प्लस सी। अब देखो इसका मान कि घन मूल और क्यूब, क्यूब और घन मूल खत्म हो जाएगा यानी नीचे गायब हो गया। ध्यान से समझिए यहां से है ना, अब नीचे गायब हो गया, नीचे गायब हो गया तो यही बचा है आपका ऊपर वाला। ये घन मूल और क्यूब दोनों मिलकर खत्म, दो में से एक घटा, दो में से एक घटा तो एक हो गया, ये तो क्लियर हो गया। आप देखिएगा घन मूल टू, यहां से घन मूल टू, घन मूल टू और माइनस वन बचा और बराबर है ए घन मूल फोर है ना, और प्लस बी घन मूल टू और प्लस सी है ना। अब दोनों तरफ कंपैरिजन करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर दोनों तरफ तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त होता है उसको देखिएगा। जैसे इस साइड में घनमूल चार है, इस साइड में घनमूल चार नहीं है, है ना। घनमूल चार का गुणज ए है, इधर घनमूल चार नहीं है और उसका गुणज क्या होगा, शून्य होगा। तो ए का मान आपको शून्य हुआ, ध्यान से समझना है इसको, शून्य कैसे हुआ। आपको राइट हैंड साइड में घनमूल चार है ना, उसका गुणज ए है, इधर घनमूल चार नहीं है, इसका मतलब घनमूल चार का गुणज जीरो होगा, तभी जीरो हो गया, खत्म हो गया वो, है ना। तो इसलिए इधर घनमूल चार का गुणज ए है, इधर घनमूल चार का है ही नहीं, इसलिए घनमूल चार का इस साइड में गुणज जीरो होगा, तभी खत्म हो गया होगा। पानी ए का मान किसके बराबर, जीरो के बराबर। इधर घनमूल टू है, इधर भी घनमूल टू है, इधर घनमूल टू का गुणज बी है ना, तो घनमूल टू का गुणज बी है और इधर घनमूल टू का गुणज एक है, नहीं कुछ है गुना तो एक हो गया, तो इसका बी का मान एक के बराबर आ गया। अब चलाइए यहाँ कांस्टेंट पद सी, इधर कांस्टेंट पद प्लस सी है, इधर कांस्टेंट पद माइनस वन है, तो सी का मान हो गया माइनस वन के बराबर है ना। अब आपका देखिएगा सब चीज आ गया, सी का मान माइनस वन आ गया, आपको निकालना ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी और प्लस सी का मान हो जाएगा जीरो प्लस वन और माइनस वन, मिला जुला के जीरो आंसर हो गया है ना। चलिए भाई लोग सब वीडियो को लाइक कर के जाना, ठीक है, आपका भावना को सब लोग कद्र करेंगे है ना। बड़ी सुंदर पढ़ाते हैं सर, पढ़ने में मन लगता है, आप ध्यान देते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी है ना। क्लास कब से चालू हो रहा है सर, अभी तो 21 तारीख के शॉर्ट सूचना है, लॉन्ग सूचना 21 तारीख को हम लोग जारी कर देंगे, यदि चालू, जितना आपको इंतजार है उतना हमें भी इंतजार है। चलिए ठीक है, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज यहीं तक, धन्यवाद आप सभी का।